कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है। गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत हरलाखी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत सहार घाट में मिसाल मसाल जुलूस द्वारा आम जनता को बटन दबाने का पहला अधिकार शिक्षा सुधार के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने कहा कि 15 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, जिससे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना असंभव हो गया है। दूसरी तरफ लगभग 7 करोड़ युवा बेरोजगार है, जिसके लिए नीतीश सरकार ने 15 वर्षों में कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की। गरीबी, भुखमरी, बदहाल कानून व्यवस्था, हत्या, बलात्कार सरेआम हो रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान मधवापुर प्रखंड के शहरघाट नायक गेट नेताजी चौक होते हुए बाजार तक रालोसपा के समर्पित कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए एवं मशाल जलाकर आम जनता से अपील किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में शिक्षा सुधार के लिए नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का एवं महागठबंधन का मजबूत सरकार बनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दिगंबर महतो ने किया, जबकि संचालन किसान प्रकोष्ठ के जिला कोषा अध्यक्ष परमेश्वर महतो ने की। इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार महतो, डॉक्टर संतोष कुशवाहा, रामसुंदर महतो, मनीष सिंह, अवधेश कुशवाहा, नागेंद्र महतो, सुरेंद्र महतो, श्रीपलाल महतो, सुधीर झा, रामुदगर महतो, सुरेश महतो, राजेंद्र महतो, विकास सिंह, कमल कुशवाहा, करण कुशवाहा, डॉक्टर नरेश यादव एवं नीतीश कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साल जुलूस है आज जो हम लोग की करने जा रहे हैं। यह हमारे माननीय अध्यक्ष श्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर पिछले 7 दिनों 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख का 1 सप्ताह का ये हम लोग का कार्यक्रम है, जिसमें कि मेन फोकस हम लोग का शिक्षा सुधार पे, जो उनका नारा है इस बार का बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार, इसी पे काज करते हुए एक पूरे सप्ताह में हम लोग अपने 3.5 प्रखंड में हर जगह प्रोग्राम किए हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे पार्टी RLSP की जो पुरानी 25 सूत्री मांग है, उसका भी पंपलेट हम सारे आदमी को प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हम लोग का क्या क्या अधिकार है। जुलूस में निकले हुए हैं मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में, और ये कार्यक्रम निरंतर से पहले से भी चलता आ रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। आज हम लोग मधवापुर प्रखंड के सहारघाट बाजार में हैं और यहाँ पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। इससे पहले पूर्व में 7 तारीख को हम लोग मधुबनी रेलवे स्टेशन से समारोह तक कार्यक्रम किए थे। उसके बाद मैं अपने गृह विधानसभा हरलाखी में, हरलाखी प्रखंड 9 तारीख को, 11 तारीख को हम लोग बेड़ीपट्टी मुख्यालय और आज 12 तारीख को हम लोग सहारघाट में कर रहे हैं प्रोग्राम, और निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मांग लेती है। लोगों का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आह्वान पर हम लोग शिक्षा सुधार सप्ताह 7 से लेकर 13 तक हम लोग कार्यक्रम करना है। इस कार्यक्रम में हम लोग को मधुबनी जिला में 7 तारीख का कार्यक्रम था जो रेलवे स्टेशन से लेकर के समरनाला तक ही है। इसके बाद हम लोग को 2100 प्रखंड में कार्यक्रम करना था, उसके तहत हम लोग हरलाखी विधानसभा में हरलाखी प्रखंड में किए। इसके बाद जो है सो 10 तारीख को हम लोग उच्चैठ स्थान में किए। आज हम लोग को मधवापुर प्रखंड के सहारघाट में कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम लोग का यही उद्देश्य है कि जो हम लोग पुरानी मांग है, जिस पुरानी मांग को लेकर के शिक्षा सुधार सप्ताह, शिक्षा जीना बेकार, ये सब बहुत तरह के कार्यक्रम हम लोग बार बार किए। अभी हम लोग का नारा है बटन दबाने का पहला अधिकार शिक्षा सुधार।